अजाब गजाब घर जमाई। चिंटू महान, चिंटू नानी जी की जय हो। और नानी जी, आज तो बहुत दिनों के बाद आप दुकान पे गई थी, सब कुछ ठीक है? हाँ बेटा, सब बहुत ठीक है। इतने सालों में पहली बार हमारी दुकान आधे दिन में बंद हो। और बेटा महान, तुम बड़े मासूम बने खड़े हो, तुम्हें कुछ कहना? नानी जी, ये साड़ू भाई का काम है, जो वो बखूबी कर रहे हैं, हम एक्टर हैं। ओहो, हम तो भूल ही गए। और नानी जी, एक बात और बता दें आपको, ये मजदूरों के हक की लड़ाई है, आवाम की लड़ाई है नानी जी, आवाम की लड़ाई। लड़ो बेटा, लड़ो लड़ो। और तुम्हारी इस लड़ाई से जो हमारा नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम दोनों। जब तक ये हड़ताल चलेगी, तुम दोनों की तनख्वाह नहीं मिलेगी। हेलो, चिंटू चौटाला बोल रहा हूँ, जगदम्बे शक्तिशाली। हाँ 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 हाँ, वही मिष्ठान भंडार से। हाँ जी। अरे चिंटू जी, आज के लिए माफी चाहता हूँ, सामान नहीं आ पाएगा। आपको तो पता ही है, आज हमारी पार्टी मीटिंग है जिसमें महान जी का भाषण होगा। यार, ये काम धंधा छोड़ के किन चक्रों में? अब हमें क्या पता, जैसा महान जी हमें बता रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने हड़ताल कर दी है, मतलब कर दी है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए माथुर साहब, इस हड़ताल का अगर नुकसान किसी को है तो वो आप हो, सबसे ज्यादा नुकसान आपको होने वाला है। माथुर साहब, हम लोगों का क्या है, हम तो किसी और शहर से माल मंगा लेंगे। हाँ, हमने तो कभी नहीं चाहा चिंटू जी की स्ट्राइक हो। एक बात बताऊं, इस सारा कुछ किया धरा चाको सिंह का है। वो बेटे की जान, तो इस सब के पीछे चाको सिंह है। मातृ साहब, अब समझ में आ गई मेरे बात, ये चाको सिंह है ना, अपनी पिछली हार का बदला ले रहा है हम लोगों से, और इसके लिए मोहरा बना रहा है हमारे साडू भाई को। ये तो आप ही जानो, लेकिन हाँ, अगर महान साहब कह दे कि स्ट्राइक कैंसिल, तो फिर बाद में चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं आधे घंटे में स्ट्राइक कैंसिल करवा दूंगा। क्या बात कर रहे मातृ साहब, तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं साडू भाई को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई चाकू सिंह है सारे कांड के पीछे। आप फोन को स्पीकर पे लगाइए, हम यहीं से बात करते हैं अपने सारे साथियों से। आज हमारी वाइफ की तबीयत खराब है, कल आपकी धर्म पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, तो क्या इसके लिए हम काम रोक देंगे? नहीं रोकेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। जय हिंद। क्या होगा इनका? हेलो, इंकलाब जिंदाबाद। माथुर बोल रहा हूँ जगदम्बे जी, नमस्कार। राधे राधे माथुर साहब। देखिए, हम धंधे वाले लोग हैं और धंधे में हमारे साथ तमाम लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। हमने कभी नहीं चाहा कि हमारे छोटे मोटे मतभेदों की वजह से काम रुके, धंधा ठप हो जाए, लोगों की रोजी रोटी छिन जाए, इसलिए हम नहीं चाहते कि हड़ताल अब और आगे बढ़े। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद माथुर साहब। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बड़े लाल जी, मालकिन, हमारे दोनों जवाइयों को पेश किया जाए। समझ गया मालकिन। नानी जी की जय हो। बेटा चिंटू और बेटा महान, अचानक ऐसा क्या हो गया कि माथुर साहब हड़ताल खत्म करने की बात कर रहे हैं, और उन मजदूरों की मांगों का क्या हुआ जिसकी क्रांति का बिगुल महान तुम जोर शोर से बजा रहे थे? नानी जी, क्रांति का बिगुल तो लॉली जी की बीमारी में पता नहीं कहां गुल हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। साडू भाई, लॉली जी के लिए परेशान मत हो, वो एकदम फर्स्ट क्लास है, बल्कि उन्हीं की वजह से आप घर से बाहर ना जाने में कामयाब हुए। और फिर नानी जी, उसके बाद मैंने इनके सिम से महान साडू भाई बन के मातृ साहब से बात की कि वो हड़ताल को खत्म कर दें। चिंटू, तुमने काम तो सही किया, चिंटू, पर तुम्हारा तरीका सही नहीं। तरीका गलत नहीं है नानी जी, बिल्कुल सही है तरीका।
और ये सब किया धरा है चाकू सिंह का। साडू भाई की मदद से किया उसने ये सब, हमारे भोले साडू भाई की वजह से। उसने क्या किया नानी जी, अपने काले बाजार को बढ़ाने के लिए ना उसने ली हड़ताल की आड़। चिंटू चौटाला ने यही सीखा है, जो तरीका काम करे वही सही। हम बेटा चंद, हमारा मतलब चिंटू, चिंटू तुम तो उस कहावत की मिसाल हो कि दुनिया सुधर जाएगी और नहीं सुधरेंगे। अजब गजब घर जमाई। अजब गजब